नाही बघा, कसं आहे की कोण कोणाचं काम करते याहीपेक्षा जनता कोणासोबत आहे हे जास्त महत्त्वाचं मला वाटतं. जनता ठामपणे महाविकास आघाडी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षासोबत आहे आणि त्यामुळे आता कोण काय करतं आहे हे आत्ता आम्ही फक्त पाहतो आहे. 6 महिन्यामध्ये विधानसभेची सुद्धा निवडणूक येणार आहे, त्यावेळी आम्ही सुद्धा ठरवू. सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा. सेवा ही जिनकी पहचान, वो है शंकर सोनेजा. फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा. सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा. न घर ए गाड़ी फ्री में मिलंदी आहे, ए न कपड़ो लतो, पर हाँ Rishto.com ते रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में मिलंदी आहे, जिते 30,000 खां वधीक प्रोफाइल्स रजिस्टर्ड आहिन, ए जिते खास करे छोकरिन जा प्रोफाइल्स सेफ ए सिक्योर्ड रखिया वेंदा आहिन. त जल्दी ही पंहिंजो नालो रजिस्टर करायो, थी सघे थो तव्हांजो जीवन साथी तव्हांजो इंतज़ार कंदो हुजे. Rishto.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी. नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन. देखिए, वरुण सरदेसाई बच्चा है अभी, उसको उल्लासनगर की राजनीति का अभी तक कुछ जानकारी नहीं है मुझे लगता है, और कल्याण लोकसभा की भी जानकारी नहीं है. वरुण सरदेसाई बच्चा है अभी, ऐसी प्रतिक्रिया कालानी टीम के प्रवक्ता कमलेश निकम ने दी है. दरअसल गुरुवार को महाविकास आघाड़ी की कल्याण लोकसभा पर उम्मीदवार वैशाली दरेकर की चुनावी प्रचार रैली थी, जहां इस रैली में शिवसेना ठाकरेगढ़ के नेता वरुण सरदेसाई भी पहुंचे थे. जहां पत्रकारों ने पूछा कि आपके घटक पक्ष के उल्लासनगर के नेता ने श्रीकांत शिंदे को अपना समर्थन दिया है, तो इस पर जवाब देते हुए वरुण सरदेसाई ने कालानी के लिए इशारों इशारों में बोलते हुए कहा था कि 6 महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तब हम भी देखेंगे कि हम किसके साथ होंगे. अब वरुण सरदेसाई की इसी बात पर कालानी टीम के प्रवक्ता कमलेश निकम ने प्रतिक्रिया देते हुए वरुण सरदेसाई पर जोरदार हमला बोला है. देखिए, वरुण सरदेसाई बच्चा है अभी, उसको उल्लासनगर की राजनीति का अभी तक कुछ जानकारी नहीं है मुझे लगता है, और कल्याण लोकसभा की भी जानकारी नहीं है. उल्लासनगर के अंदर कालानी परिवार के खिलाफ राष्ट्रीय नेताओं ने प्रचार किया है, हमारे खिलाफ हमारे नगर सेवकों को दौड़ाया है, हमारे नगर सेवकों को दहशत निर्माण किए राष्ट्रीय नेताओं ने, हमारे नेताओं को दहशत निर्माण किए. उसके बावजूद भी ओमी कालानी की अध्यक्षता में हम चुनाव लड़े, बहुत थोड़े वोटों से चुनाव हारे हैं. बहुत राज्य के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री उस वक्त पर जो थे, वो फिर उसके बाद मैं कहूंगा कि राष्ट्रीय नेता भारतीय जनता पार्टी के, वो भी सब आ चुके हैं. अब वरुण सरदेसाई आकर हमको चैलेंज दे रहा है. वरुण सरदेसाई को मैं यही कहना चाहता हूं कि वो अभी बच्चा है. कालानी हम किसी से डरते नहीं है. विधानसभा चुनाव अपक्ष के तौर पर ओमी कालानी जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लोकसभा होने दो, मैदान में आ जाओ विधानसभा के, ऐसी परिस्थिति निर्माण करेंगे. हमको नेताओं की जरूरत नहीं है, हमको शहर की आम जनता हमारे साथ में. वरुण सरदेसाई आकर यदि हमारे लिए कहता है कि हम विधानसभा में दिखाएंगे, तो ये बात याद रखना कि शिवसेना के अभी तक उनके उद्धव ठाकरे जी के गढ़ में हम तक अभी तक गए नहीं है. वहां यदि हमने जाना चालू किया, ये कल्याण लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं महाराष्ट्र के अनेक लोकसभाओं की बात कर रहा हूं जहां पर हमारा वर्चस्व है, तो वहां पर उनकी सीटों को हलाने की हम ताकत रखते हैं. तो मैं यही कहूंगा कि वरुण सरदेसाई जी ने कल कहा है जो कि विधानसभा में हम इनको देखेंगे, विधानसभा में अच्छे अच्छे आए, कालानी को कोई देख नहीं पाए. जिन्होंने भी हमको देखने की कोशिश की है, उनको हमने जगह दिखाई है. आपने अभी विधानसभा की बात की, पर फिलहाल तो लोकसभा है, तो लोकसभा में जब आप प्रचार के लिए निकल रहे हो, तो लोगों का प्रतिसाद आपको कैसे मिल रहा है? बहुत जबरदस्त तरीके से खासदार महोदय ने हमारे शहर के लिए बहुत काम किया है, और उसको उनके कामों के बदौलत फिर वो हॉस्पिटल, नया एक हॉस्पिटल हो, सड़क सीमेंट कॉन्क्रीट की सड़कें हो, अनेक विभिन्न मुद्दों को लेकर खासदार, ये पहले ऐसे खासदार है जिन्होंने नगर सेवक का भी काम खासदार ने किया है. ब्रिज तो बनाए, बड़ी बड़ी सड़कें तो बनाए, हॉस्पिटल तो बनाया, MIDC जोन के पानी की समस्याओं को हटाया, पर नगर सेवकों का जो काम था नाली और गली बनाना, उनके लिए भी उन्होंने फंड्स दिए हैं. एक एक गली, एक एक शहर के यहां पर जाओगे, नगर सेवक क्रेडिट ले रहे हैं.
आमदार क्रेडिट ले रहा है, काम खासदार का है, और ये पूरे शहर की जनता को पता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बेटे हैं, इसलिए नहीं तो उनकी कैपेबिलिटी है, उनका काम करने का तरीका है, वो जो काम करते हैं सटीक काम करते हैं, तुरंत निर्णय लेते हैं, डॉक्टर है, इसके कारण लोग बहुत उत्साहित है उनको मतदान करने के लिए। आने वाले 20 तारीख को जब तीर कमान के निशान पर वोट करेंगे तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लीडरशिप कोई चुनाव जीतेगा उनका नाम होगा श्रीकांत शिंदे। ब्यूरो रिपोर्ट, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज सबसे पहले आपके मोबाइल पर।